इनके तेलुगू तुलसी से अंदर क्यों क्या सक्सेस तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहला किया था उसको मैं बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। 21 प्रकार से बंदे हैं, फिर आगे नए प्रश्न करेंगे। बोलो यार, लगाना बैठे पांच से बता रहा हूँ। पर स्टेशन और पर देखो, आपको अपना जो काम है ना, जब भी आप ये बनाओगे तो पहले आपको हिंदी सोचनी पड़ेगी दिमाग में कि ये मुझे लिखना क्या है। आपने हिंदी सोच ली फिर उसका काम चल रहा। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें सब्जेक्ट को काम कौन करता है। काम कर रहा है तो एक ट्रक देखो, ये एक ट्रक बोल देंगे, एक ट्रक उद्देश्य
आप ये भी बोल सकते हो उसमें ठीक है, कभी नहीं हो पाएगा। इसके फर्स्ट फॉर्म भी यही, सेकंड फॉर्म भी यही, थर्ड फॉर्म भी यही। तो ये लगा के जरूर जानिए ना, ये मैंने किया क्या बोल गया एट ट्रैक। अब ऑब्जेक्ट मैंने काम जो किया है ना उससे प्रभावित कौन हुआ है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कौन हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाना क्या हो गया वर्ब। अब मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को, अपने बच्चे क्या हो गए, तो वर्ब में किसको बच्चे मारी अब बच गया क्या ये काम से हो गया पर इस रोड पर ठीक है। एट द बगल में स्टेशन रोड कब कल यस्टरडे। अभी यस्टरडे की कहाँ चीज है, इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, आगे जाने को ही ना तो भी काम करते हैं। तो सही बात, मेन काम इसमें की है जिसके तीन काम शुरू हो गए, आगे अगर गलती हो रही है तो काम करेंगे। लेकिन इस टीम में अगर आपने गलती कर दी तो कोई काम नहीं करेंगे। ये तीन काम में वो भी काम करने वाला काम है जरूरी है, काम क्या किया है वो गया होगा। आपके काम करने से प्रभावित कौन हुआ है, अफेक्टेड कौन हुआ है, वो आपने क्या किया। ओके इस वाले से कार ड्राइवर ते ऊपर गए अड़ी गए। इसमें याद रखना दो ही चीज है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। वर्ब वर्ब के बगैर कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा, याद रखना। कई बार ऐसा हो जाएगा कि सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब को हर हाल में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब को हर हाल में होनी ही चाहिए। हम क्या है, कुछ लोग वहां दौड़कर, कुछ लोग बोलो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, कुछ लोग वहां तो लोग ही मेरे ना, तो कुछ लोग मैंने भी सुन लो पहुंचने का बताया ना, ये काम यहाँ से मिलेगा तो पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रीच। आर ई एच सी एच वी लगा दो, रीच बन गया। मैंने पेपर का रीच, अब दौड़कर है तो लिख सकते हो, लैंड कर सकते हो, एंड रह जाए दौड़े, या अगर ये निकलो तो कुछ काम कर ले रीच मतलब हम जल्दी से वहां पहुंचे। वहां वहां का मतलब तो बोलता है कि जो रूम है वो कहां बना होना चाहिए, ये एक दूसरा है ना कि अब मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाई ऑब्जेक्ट का मतलब तो आदमी होगा, क्या वस्तु होगी, क्या जानवर होगा, किसी बात नहीं है।
ओके नहीं है ना आगे उन्होंने ये महीने कौन आ रहा है लोगों ने है ना उन्होंने ट्रक ड्राइवर को काम कौन कर रहे हैं उन्होंने कहा बताया किसने दे काम क्या किया है पकड़ने का पकड़ने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म तो थे कैच सेकंड इसका होगी बॉल सेकंड और कौन से इसमें ऑब्जेक्ट ये नहीं है कौन है किसी ने आज क्या है काम कौन कर रहा है नंबर किसी ने क्या बोलते हैं नंबर काम क्या किया है कौन करने का कॉल कर दो हाँ ये भी तो अगर ऐसे भी जीतेंगे ना कॉल ये भी सही है फोन क्या टीवी लगा देंगे ना तो ये भी फोन पर नहीं होता है बोलते नहीं है फोन करना ये फोन भी इंग्लिश में बब है क्या है तो कॉल कर दो तम बन कॉल्ड पुलिस एंड एम्बुलेंस सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कौन है दोनों है पुलिस और एम्बुलेंस पुलिस और एम्बुलेंस दोनों की दोनों वस्तु के बारे में आरंभ चाहिए ओके क्या था कार ड्राइवर को एम्बुलेंस हॉस्पिटल पर है ना बिना तो बोर्ड पड़े जो बोर्ड है धूड़धार पड़े तो बिना थोड़ा सामने बैठा ही सही है चेक लिया ना सही आ रही देख लिया एक तो मैं लिखता हूँ हॉस्पिटल
दोनों में कुछ अंतर है या सेम ही? सेम ही, अगर सेम हो तो नहीं बोलो ये बेटा चले अलग क्या है अगर आप ऑप्शन में आने जा रहे हो ना या आप डॉक्टर वाले हॉस्पिटल देखने जा रहे हो या घर की स्टाफ आप हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हो तब तो क्या हो जाएगा वो अगर आप हॉस्पिटल कोई बोरी काम से जा रहे हो आप कोई बोरी काम से जा रहे हो जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में कोई कैंप लगा है वहां से आप देख नहीं रहे उसी प्रकार एक तो लिखता हूँ मैं टू स्कूल लिखता हूँ मैं टू स्कूल अगर आप पढ़ने आ रहे हो या पढ़ाने आ रहे हो तब तो क्या है अगर मान लो कि आपके साथ में आपके पेरेंट्स है ना तो वो पढ़ने आए ना पढ़ाने आए वो और काम से आए तो उनके लिए क्या आएगा इसलिए इस पर डर क्योंकि ये ड्राइवर वहां गया इलाज के लिए ना तो इलाज ही होता है इसलिए वाड़ी रखो आगे देखिए अरे सोहेल फेस है ना अरे घोड़ा ना है भी भी पूनम काल दे ना प्रोग्राम घोड़ा अब इसमें देखो सेंटेंस एक है लेकिन काम दो है बोलो एक है काम या फैसल ये सीडी साइड में होना चाहिए लेकिन इस साइड में सीडी होना चाहिए जाएगी क्योंकि लैंग्वेज है लैंग्वेज अच्छा है मात्र
होगी अगर कोई खर्चा छोटा है तो थोड़ी सी बोनस मिल ही जाता है तो टाइम लगता है बहुत साल में यही साल लगता है वो होता है तब वो मुझे ब्लड को बोलने लगता है और फिर भी कई बार है उसको सही नाम नहीं आता है तो धीरे धीरे उसी से बड़ा होता है लोगों को देख कर सीखता है उसी प्रकार की अपनी लैंग्वेज अलग है तो उसको आप सभी सीखोगे जब इसके आप प्रैक्टिस में आओगे तो इसलिए अगर हिंदी में ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या सब्जेक्ट क्या हुआ था क्या और फिर तो टेंथ तो लेने की जरूरत नहीं है अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई है और अभी बात टाइम हम लोग एकदम ठीक है चलिए हाँ नेक्स्ट प्रो में और कुछ बताना है मैं दो सेंटेंस लिखवा रहा हूँ तो वहाँ से करने आपको फिर आप कैसे हेलो मैंने उसे खाना खिलाया मैंने उसे खाना खिलाया तुम यहाँ आते थे तुम यहाँ आते थे तो पहले मैंने ये दो सेंटेंस आपको लिखवाए हैं इन दोनों में आप फर्स्ट वाले में मुझे बताओ SVO ट्रांसलेट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके ये SVO पकड़ में आता है क्या ये देखना चाहता हूँ मैं जिसका आ जाए बोलेगा नहीं हाथ ऊपर कर देना सिर्फ एक लड़की दो गगन तो बता पहले सेम है खाना खिलाना भाई खाना आपके सामने रखा हुआ भोजन मान लो दाल रोटी रखी हुई है वो वर्ब थोड़ी वो ऑब्जेक्ट है सामने दिख रही चीज है वो तो इसमें वर्ब होगी खिलाया खिलाना ऑब्जेक्ट नहीं हुआ वर्ब हुआ है खिलाना इसमें दो ऑब्जेक्ट है एक तो उसे और एक खाना समझ रहे हो भोजन जिसको बोल देना भोजन अब देखो क्या है समझ रहा जिसके बात नहीं समझ रहा है बात थी मैंने उसे खाना खिलाया अब आपने कहा कि मैंने सब्जेक्ट है तो मैंने को क्या बोलते हैं आई अब बात आई है वर्ब की तो ये खाना अलग है खिलाना अलग है खाना जो भोजन है ना उसके लिए आ रहा है एक खाना आप अपने आप खा रहे हो वो होता है अगर आप अपने आप खा रहे हो ना वो भी वर्ब है बताऊंगा क्या है यहाँ खिलाया ये अलग है खिलाया याद रखना फीड सेकंड फॉर्म होती है फेड गलती होने के चांसेस बोल देते आप यहाँ लिखते हो ईट ये हो गया गलत ईट का मतलब है खुद खा रहे और फीड का मतलब दूसरों को खिला रहे अरे शादियों में वो लेके बोलते है ना वो ट्रे वगैरह तो ट्रे वाला क्या कर रहा है खाना खिला रहा है वो फीड कर रहा है तो आई फेड क्या किसे खिलाया उसे हिम क्या खिलाया खाना तो फूड आई फेड हिम फूड क्या बन रहा है
आई फेड हिम फूड, नहीं समझ आई क्या? नहीं आई, नहीं अभी कहीं नहीं आई है, गगन आएगी समझ? अभी पिछ अभी किसी ने कहा अरे तीन बात समझ नहीं आई क्या? इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? एक में से एक सेंटेंस में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में कई प्रकार की वर्ब हो सकती है, अभी तीन वर्ब आई थी एक में, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट आ गए। दूसरा सेंटेंस क्या था? तुम यहाँ हाजिर, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ काम कर रहे हो आपने, आप काम कौन कर रहा है? तुम कौन कर रहा है? तो सब्जेक्ट भी कौन हुआ? तुम हो गया। ये लो मैंने शुरू में लिख दिया यू। क्या काम कर रहा है? आने का। आने को क्या बोलते है? इंग्लिश कम, फर्स्ट फॉर्म केम, सेकेंड फॉर्म और कम वापस। तो यू केम यहाँ का है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? क्या ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें? क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? दोनों ध्यान से लिखो। ये कहां से आ गया? जल्दी आ जाएगा। हाँ तो इसको मैं पैराग्राफ को एंड कर रहा हूँ, उससे पहले घर के लिए कुछ काम दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। लिख दो इसमें सारे के सारे पास्ट के बनेंगे, सारे उसके सारे सेकंड फॉर्म में करनी है। क्या करना है? सेकंड फॉर्म कुछ नहीं आए तो अभी फॉर्म पूछ लेना, स्टार्ट करो। बच्चे बगीचे में रोज खेलते थे, बच्चे बगीचे में रोज खेलते थे। ठीक है जी, तेजी चाल रहा मैं बताऊंगा। हाँ भाई, वहां पे आता हूँ नंबर। तो कर दिया भाई परमानेंट वही है मैं आ रहा हूँ नंबर वहां का, अब मैं कल ही चालू है। अच्छा अध्यापक ने बच्चे को पीटा, अध्यापक ने बच्चे को
पीटा। बच्चे को पीटा। नेक्स्ट लिखो, ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी। ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी। लुटेरों ने बैंक लूटा। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो ये कुछ सेंटेंस है, वो आप कर लेना। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं फिर आगे चल रहा हूं। वॉच ये डेली। खेलते थे तो उसमें खेलते थे, साथ में आ गया, पले में आ गया। तो भाई तुम पहले सुनो, पले आ गया फिर रेडी लगा दिया फास्ट में। और तो पढ़ाते थे, पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड फॉर्म क्या हो गई टॉट। टीच को नहीं हुआ टॉट हो गया, समझे। और किसको पहले देखो कि काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना, तो वह कर रहा है तो वह को बिठा दिया ही। क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। ये लो, किसे पढ़ाते थे, हमें, अस, क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश। ये लो दो ऑब्जेक्ट है इसमें, इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अस यानी हमें और एक इंग्लिश, दो ऑब्जेक्ट है। उसे हिम, लड़की के लिए आ जाता है हर, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर, उसे। और कुछ है, चलो आगे चलते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम है एसयूवीज। हालांकि आपके सिलेबस में ये दो नंबर का आता है, कितने का, लेकिन इस बार इसको कितने नंबर का बता दिया है, ध्यान रखना। और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जब अगर एक बार आ गया समझ में तो फिर आगे दोबारा दिमाग से नहीं निकलेगा। ये नाम है एसयूवीज। सुनाएंगे इसके बारे में पहले, सुना गया क्या होता है इसमें, अगर कोई बात को काम हो रहा है उस काम को दूसरे लिहाज से बोलना। अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, एसवीओ बताया ना, इसमें क्या हो जाता है, एसवीओ का ओवीएस हो जाता है, ओ की जगह एस, एस की जगह ओ। ये इतना से क्या है, एसयूवीस है, ठीक है।
जैसे मैं बोलता हूँ अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, अभी कहा था ना, इसको कोई बोलते है कैसी एज में कैसे बोलोगे, अध्यापक के द्वारा हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई, बात तो एक ही ना, यहाँ के द्वारा लग गया है, अध्यापक के द्वारा हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई, तो बाई लगाकर सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे पहले दो साल पहले इसमें क्वेश्चन कैसे आता था वो बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे दे दिया इंग्लिश स्पेस टॉट बाई टीचर, ये आ गया और नीचे चार ऑप्शन आ जाते हैं, ए आर बी इज सी कैन और डी है। दो साल पहले आपके इस प्रकार के दो क्वेश्चन आते थे तो इसमें से चूज करना होता था, तो इंग्लिश है, इंग्लिश एडमिशन है, बहुवचन है, सब्जेक्ट तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो वचन अगर क्या आर आ सकता है, क्या है वो आ सकता है, क्या अब इज और कैन बच गया, तो पैसिव वॉइस में अकेला कैन कभी नहीं आएगा, हमेशा इसके साथ में क्या आना चाहिए, बी, जितने भी मॉडल है ना उनके साथ में पैसिव वॉइस में बी आना जरूरी है, बच गया कौन, ये तरीका था। अब तरीका क्या दे दिया है वो भी देखो, अब क्या होता है कि सेंटेंस आता है जैसे टीचर टीचेज इंग्लिश, ये आ गया और बोलिए इसका क्वेश्चन वॉइस करो, तो आपको ये इंग्लिश है ना ये पहले से आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ ऐसे और फुल स्टॉप। अब करना क्या है, नियम बताऊंगा अभी, एसीआईएस है, एसीआईएस हट जाएगा, इजे मान लग जाएगा, इंग्लिश के साथ क्या लगेगा टीच, और ये जो है ना टीच इसके लगाओ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बाय का प्रयोग, और ये इधर आ जाएगा टीचर। अब कैसे बनता है वो देखते हैं, हेडिंग लगाओ रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में पांच रूल है, कितने पांच है, फाइव रूल्स है, अगर ये फाइव रूल्स आपको आते हैं तो आपके पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, क्या अर्थ है इसका कि एक्टिव वॉइस यानी जो पर्सन हमें दिया है ना उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बना देंगे उसको, अरे अभी अभी इंग्लिश पहले आया था ना कि क्या लिखा हुआ था, टीचर टीचर्स इंग्लिश ही लिखा हुआ था ना, और मैंने कहा ये आपको पेपर में पहले से लिखा हुआ मिलेगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ इसका ऑब्जेक्ट कौन है पेपर वाले का, टीचर्स का मतलब होगा पढ़ाना, तो वर्ब हो गई, अच्छा ऑब्जेक्ट शुरू में भी आवा है, अभी तो मैं अभी तो बताया मैंने कहा, अरे इंग्लिश सही है, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश है,
टीचर का सब्जेक्ट है अभी अभी बताइए कोई है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसमें मुझे एसवीओ बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें? ऊपर वाले में टीचर हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है? टीचर्स, ये लो, और ये क्या हो गया? तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? अब नियम क्या है कि ऊपर जो ट्यूशन दिया है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, पहले आ जाएगा, बना दिया, ये पहला रूल है, कोई दिक्कत है? कुछ चेंज भी होते हैं वो देखेंगे कैसे होते। दूसरा रूल, चेंजिंग इनटू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव, तो इसकी एक सारणी होती है इंडेक्स। अगर ऊपर हमारे पास में ट्यूशन में डू डज दिया जाए तो उसको किसमें चेंज कर देंगे? ईजीएमआर में, इसमें ईजीएमआर में चेंज कर देंगे, और हो सकता है हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी मिल सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम्पल आएंगे समझ आ जाएगा। तो पर्सन में क्या मिले हमें? डू डज मिले, तो उनके स्थान पे क्या लिखेंगे? ईजीएमआर तीनों में से एक। अभी जो मैंने बताया था उसमें क्या किया था याद करो, अभी टिक आउट किया था, इज किया था, इसका मतलब उसमें या तो डू डज था पहले या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज था। दूसरा रूल, अगर मान लो ईजीएमआर हमें पर्सन में मिल जाए, क्या हो? ईजीएमआर हमें पर्सन में मिल जाए तो वर्ब किसने कहा? वो इनडायरेक्ट में होता है, इसमें नहीं होगा। ये किसने कहा है? ईजीएमआर प्लस बींग, क्या होगा? ईजीएमआर के साथ बींग होगा। फिर हैज या हैव अगर दिया जाए तो हैज या हैव तो रहेगा ही, प्लस बींग लग जाएगा, हैड नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वो। ओके, फिर अगर मान लो डिड या सेकेंड फॉर्म पर्सन में दी जाए तो उसको वॉज या वर्ब में चेंज कर देंगे, किसमें कर देंगे? वॉज या वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर क्वेश्चन में हमें क्या मिले? वॉज या वर्ब मिले तो वॉज या वर्ब तो रहेगा ही, साथ में बींग वो लग जाएगा, बींग। अगर हेड दिया जाए तो हेड बीन। अब जितने भी जो मॉडल बच गए, कैन कुड में माइट शैल शुड विल वुड, वो अगर आ जाए तो उनके साथ में बी लगा देंगे, बी ई। तो मॉडल अगर आ जाए तो उनके साथ में क्या करेंगे? मॉडल प्लस बी, ये दूसरा रूल है। कैसे काम करेगा अभी बताएंगे, पहले इसको लिखो। Thank you.
थर्ड रूल यहाँ लिख रहा हूं, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म का यूज होगा हमेशा पेशी वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है पेशी वॉइस में, याद रखना। चौथा नियम है यूज ऑफ बाय, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का यूज करना है। कई जगह नियम अलग है, कई जगह टू भी होता है विथ भी होता है, लेकिन 90% में बाय का यूज होता है। लास्ट रूल है द ऑब्जेक्ट, सॉरी द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी जो सब्जेक्ट है ना पर्सन का, वो लास्ट में जाएगा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। ये पांच रूल है। अब इन पांच रूल के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस आपको अभी बताता हूँ, उसके बाद ही देखते हैं। फिफ्थ का मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ना, वो सब्जेक्ट जो रहेगा वो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय के बाद। देखो अब देखो, ये समझने के लिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। माई फादर कैन लेफ्ट इट, ये आपको एक सेंटेंस दिया है, ध्यान लगाने दे। और आपको बोल दिया है कि इसको पैसिव वॉइस बनाओ, तो सबसे पहले आप इसमें एसवीओ ढूंढ लो। ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गई पूरी बात, और ये क्या हो गया। तो पहला रूल अपना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो इट का ऑब्जेक्ट भी वही होता है, सब्जेक्ट भी वही होता है, तो इट को मैं आगे लेके आ गया, इट पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब में चेंज करो, तो अभी सारणी बनाई है, सारणी इसमें देखो कहीं पे केन दिया है क्या, नहीं दिया, मॉडल ही है, तो क्या लगेगा मॉडल के साथ डी, तो केन तो लगा दिया मैंने, साथ में क्या लगा दिया, दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या लिखा है अभी, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, किसकी किसकी, लिफ्ट ईडी लगा दो, लिफ्टेड हो गया लिफ्टेड। चौथा रूल क्या लिखाया, यूज ऑफ बाय, ये लो मैंने बाय। पांचवा रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ये माय फादर ऐसा 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 जाएगा माय फादर। नहीं सुन रहे बात, आई सही है तुम्हें आदर्शी लिखो, पहले दो चार सेंटेंस और छोटे समझाऊंगा, बात समझ आ जाएगी। सेंटेंस है
संदीप इज टीचिंग इंग्लिश, मान लो ये दिया हुआ है, तो पहले वही काम कर लो, इसमें काम कौन कर रहा, संदीप कर रहा है ना, इसको भी क्या नाम दे दिया एस, ये पूरी क्या हो गई वर्ब और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो पहला नियम क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इंग्लिश को भी कर लिया है। दूसरा नियम अभी लिखाया था, देखो कहीं पे इज दिया है क्या, इज एमआर अगर दिया जाए तो किसमें बदलेगा, बीन वो लगेगा, तो ये इज तो आ गया, साथ में क्या लगा दिया, किसी का डाउट है कैसे आया, ठीक है। फिर तीसरा रूल, थर्ड फॉर्म है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अभी अभी बताई थी टॉट, क्या हो गई टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। चौथा नियम क्या हो गया, बाय का प्रयोग, और ये संदीप उधर जाके ऐसा वैसा लिखा जाएगा संदीप, आपको समझ आई ये बात, सब क्या आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे अगर ही दे दिया सब्जेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाता है, क्या बन जाता है हिम, और आई दे दिया मान लो सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में आके वो बन जाएगा मी, समझ आ रही बात, उसके बारे में लिखा रहा हूँ वो क्या चीजें हूँ। I सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है me, क्या होता है me, we सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है us, क्या है us, you सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा you, चेंज नहीं है इसमें, he सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया him, she सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हर, दे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देम क्या हो गया, और इट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वही इट सेम, इनको भी ध्यान में रखना है, जल्दी लिखो भी इसका एग्जाम्पल बताए कैसे होगा। जैसे आई हैव टॉट यू, मान लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आई हैव टॉट यू, तो पहले वो एस भी हो देंगे थे, एस क्या इसमें, ये इसको हमने कर दिया सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो गया वर्ब, और ये यू क्या हो गया, समझ आई बात, अब इसको करते चेंज, ऑब्जेक्ट यू है तो वहां देखो यू का तो ऑब्जेक्ट भी वही है सब्जेक्ट भी वही है, ये ऐसा कैसे यहां लिख दिया, अरे किसी को डाउट हो जाए, ओके। फिर दूसरा नियम है, ये हैव वाला चेंज होगा, देखो हैज या हैव के साथ बीन लग जाएगा, तो ये बहुवचन है इसलिए हैव आएगा और बीन, तो ये क्या हो गया यू हैव बीन, दो नियम हो गए,
थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ में जो होगी वो हमेशा कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। तो इसको ऐसा कैसा लिख दूंगा मैं, कोई चेंज नहीं करना है। चौथा मेन जो है बाई, क्या है? बाई। अब यहाँ अपने पास में सब्जेक्ट कौन है? आई। अब देखो आई का आपके पास ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है? मी। ये आई का मी हो गया। क्लियर हो सकता है पेशी वॉइस? तो कुछ मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, वो बना के ले आना। I am drinking tea. My father did not. My father did not beat B-E-A-T. B-E-A-T. Beat. Beat. Me. My father did not beat me. He can read this book. He can read this book. We are driving a car. Driving a car. My mother saw S-A-W, saw him. So यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म में याद रखना है, सी की, सी सौ सी, याद रखना। सी का मतलब देखना, तो सेकेंड फॉर्म वाला मैटर है वो कौन सा होगा चेक कर लेना। कितना हो गया बना लेना। और कोई बात कुछ नहीं है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज तो भी है। Thank you.
है।